और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ पा रही है। ब्लैक फंगस का जो कहर है वो लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्लैक फंगस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अब इस पर अपना बयान भी दे दिया है। आपको यहां पर जानकारी दे दें, उन्होंने कहा है कि लगभग 600 मामले मिले हैं मध्य प्रदेश में। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोरोना वायरस पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है और इसी बीच एक जो दूसरी बीमारी है वो महामारी का रूप लेती हुई नजर आ रही है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने तेजी के साथ मध्य प्रदेश में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और अब इस पर चिकित्सा मंत्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगभग 600 मामले मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे दें, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में अब मध्य प्रदेश यहाँ पर शुमार होता नजर आ रहा है, क्योंकि ब्लैक फंगस अब मध्य प्रदेश में भी तबाही मचाता नजर आ रहा है। और आपको यहाँ पर जानकारी दे दें, जो केस है सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के वो महाराष्ट्र में मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर रहे तो यहाँ भी 600 मामले मिले हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।